Our today's chapter is the first chapter that is a reproduction in organism. A reproduction in organisms. In this chapter, the first term is lifespan. What is lifespan? A oh, very simple. That is the period starting from the birth. पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ टेथ वी कॉल इट लाइफ स्पैन हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग टाइप का लाइफ स्पैन है नाउ वट आर द स्टेजिज ऑफ लाइफ स्पैन क्या क्या स्टेजिज लाइफ स्पैन में आती है बहुत ही सिंप्लीफाइड वे से हम कहेंगे स्टेजिज क्या क्या है हम कहेंगे स्टेजिज है जमेड जमैड चार फोर जे जे फॉर जुवेनाइल एम फॉर मेच्योरिटी ए फॉर एजिंग एजिंग एंड सीनेसेंस एजिंग एंड सीनेसेंस एंड डी फॉर डेथ दैट इज अल्टीमेटली डेथ ट्राई टू अंडरस्टैंड वी हैव फोर जमैट जे एम ए डी जे फॉर जुवेनाइल, जुवेनाइल बचपना मेच्योरिटी से पहले प्री रिप्रोडक्टिव प्री रिप्रोडक्टिव दैट इज रिप्रोडक्टिव जैसा नहीं है मेच्योरिटी वैसे भी कहते हैं यार आप मेच्योर हो चुके हो मेच्योर हो चुके हो मीन्स दैट यू आर इन द रिप्रोडक्टिव एज यू आर इन द रिप्रोडक्टिव एज दट इज मेच्योरिटी बिफोर मेच्योरिटी इज वट बी कॉल्ड प्री मेच्योरिटी प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज टिव स्टेज देन वी है एजिंग दैट वेन सी फॉर एग्जाम्पल थर्टी ईयर तक रिप्रोडक्टिव चलता है फोर्टी ईयर तक चलता है उसके बाद भी जो लाइफ चल रही है इंपॉर्टेंट है हमें तो इसको कैसे याद करना डेथ से पहले मरने से पहले जो उम्र थी बुढ़ापा इज दिन द लास्ट स्टेज द लास्ट स्टेज दट इज प्रायर टू डेथ इज सेट टू बी सीन सेंस सो दीज आर द जो मैंने लाइफ स्पैन बताया आपको क्या इसको लाइफ स्पैन को आप कैसे करेंगे जमैड जे एम ए डी जे फॉर जुबेनाइल एम फॉर मेच्योरिटी ए फॉर एजिंग एंड डी फॉर डेथ एजिंग एंड सेनेसेंस ऑल द सिंपल टर्म्स ऑफ देयर बट इस टाइप से आपने सिंप्लीफाइड वे से इनको करना है सो दिस इज अब आ गया कि हमारे पास लाइफ स्पैन बहुत सारे लाइफ स्पैन है इस इस यूनिवर्स में देयर आर आर लाइफ स्पैन गिवन इन द कुछ लाइफ स्पैन गिवन इन तो हमें सिर्फ एनसीआर के बेस पे लाइफ स्पैन को रिटेन करना है विद रेफरेंस टू एनसीआर जो जो दिया है बिकॉज कई बुक्स ने डिफरेंट टाइप के लाइफ स्पैन दिए हैं तो लाइफ स्पैन जो कुछ ऑर्गेनिज्म के दिए हैं जैसे कोई फ्रूट फ्लाई है मे फ्लाई है इस टाइप की फ्लाई है आपने एक एग्जांपल, एक बहुत ही अच्छी तरह मैंने क्रिएट किया है का, एक एक सिचुएशन क्रिएट किया लाइफ स्पैन को याद करने की आई वाज कमिंग टू सेक्टर 15 मैं पंचकुला आ रहा था पंचकुला आ रहा था मैंने एक डस्टबिन देखा मैंने डस्टबिन देखा वो डस्टबिन में बनानाज पड़े थे ये ये गंदे बंदे बनाना पड़े थे द वेस्ट बनाना वर देर वेस्ट बैना बना वे दिया यार मैं पिछले पंचकूला में पच्चीस सालों से बढ़ा रहा हूँ आई एम आई एम टीचिंग ईयर फॉर द लास्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स मैं पच्चीस सालों से बढ़ा रहा हूँ तो पच्चीस सालों से मैं क्या देख रहा हूँ बनाना है बनाना मैंने रियली आई सौ बेनाना इन द डस्टबिन विक डस्टबिन और उसी बनाना के साथ मैंने स्ट्रे एनिमल्स देखे स्ट्रे एनिमल्स व यार क्या क्या स्ट्रे एनिमल्स है हाँ स्ट्रे एनिमल क्या क्या पंचकूला में आपके शहर में या कहीं भी किसी भी शहर में क्या क्या स्ट्रे एनिमल्स हैं There was a cow, वो, वो का उस पर फीड कर रही थी जरवाज डॉगी दे वो उस पर फीड कर रहे थे डॉगी काओ और उनको ऊपर से बहुत अच्छी तरह इनको वॉच कर रहा था ट्री के ऊपर से पंद्रह साल से दैट इज क्रो क्रो उनको देख के वॉच कर रहा था किस किस को जो मैं पच्चीस सालों से देख रहा था क्या क्या काओ बनाना डॉग एज वेल एज यहाँ हिल से थोड़े से मोंकिज भी आ गए थे वो भी यहाँ अटैक कर रहे थे ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनका 20 से 25 साल लाइफ स्पैन है दे हैव लाइफ स्पैन ऑफ 22 टू ट्वेंटी फाइव ईयर्स मे बी वन ईयर मोर और लेस सो दिस इज वेयर एज द क्रो इज हैविंग फिफ्टीन ईयर सो इन दिस वे देखिए वन टू थ्री फोर एंड फाइव फाइव ऑर्गेनिज्म का आप लाइफ स्पैन बता सकते हैं दो फूड है हमारे दो खाते हैं हम दो चीज़ें जनरली हम खाते हैं एक राइस खाते हैं एक वीट खाते हैं तो राइस का चार महीने राइस प्लांट राइस का चार महीने के करीब और दैट इज वीट व्हीट इज फाइव टू सिक्स मंथ फाइव टू सिक्स मंथ्स इज द फॉर वीट का ये देखिए इस टाइप से आप थोड़े थोड़े याद करते रहेंगे क्रू पैरट बहुत सालों से बहुत साल रहता है पैरट पैरेट इज हैविंग वन फोर्टी ईयर्स इट हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ वन फोर्टी इट? इन दिस वे आप सर्टेन लाइफ स्पैन आर गिवन इन द टी यू आर स्पो टू रिटेन कि हाउ 20 से पच्चीस साल क्या है कूड़े का ढेर है कूड़े के ढेर में बैनाना है बैनाना का लाइफ स्टाइल भी इतना है उसी तरह स्ट्रे एनिमल्स हैं डॉगी है वो डॉगी है उसके साथ क्या है काऊ है काऊ के साथ दूर मंकी है ऊपर से पैरट दे ऊपर से क्रो देख रहा है क्रो 15 साल से देख रहा है और मैं 25 साल से देख रहा हूँ तो इन दिस वे

ंग वंस रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप वन इज द ए एंड अदर इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ध्यान से देखिए जहां भी विदाउट सेक्स विदाउट सेक्स देखिए पहले तो ये देखिए आप कि जहां भी बायो में ये एक वर्ड आएगा आपको ए एन ए एन कहीं भी ए आता है या एन आता है उसका मीनिंग है एबसेंस उसका मीनिंग है एबसेंस ए सेलुलर जिसमें सेल नहीं है ओके एन एरोबिक जो एरोबिक नहीं है तो ए हम कहेंगे ए सेक्सुअल ए सेक्शुअल मीन्स जिसमें सेक्स नहीं है जिसमें दो दो इंडिविजुअल दो जुड़ के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते तो इसको बोलेंगे ए सेक्शुअल और जहाँ दो इंडिविजुअल आपस में जुड़ते हैं दैट इज वट वी कॉल एम इसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आज हम हम पहले करेंगे ए सेक्शुअल रिपोडक्शन के बारे में ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आप कई सालों से कर रहे हैं जूनियर क्लासिस से कर रहे हैं क्या क्या मोड हैं बहुत सारे मोड हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है ये ऑर्गेनिज्म है हमारे पास ये वो एक ऑर्गेनिज्म है इस ऑर्गेनिज्म में ऐसे एक स्ट्रक्चर बन जाता है पहले थोड़ा सा होता है ये स्ट्रक्चर उसके बाद ये 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 स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा बन जाता है और उसके बाद ये स्ट्रक्चर बाहर निकल आता है और जो निकला हुआ स्ट्रक्चर है इससे फिर है ये एक फुल फ्लैड ऑर्गेनिज्म बना देता है तो इसको कहते हैं बड इसको कहते हैं बड तो दिस इज वन दैट इज अ बडिंग बडिंग इन हाइड्रा बडिंग इन हाइड्रा तो इस टाइप से बडिंग इन ईस्ट ये ईस्ट था सेल था यहाँ न्यूक्लियर डिवाइड किया एक के दो हुए ये बड बना ये बड सेपरेट हुआ और ये सेपरेट होके फिर ऑर्गेनिज्म बन गया आई थिंक दिस आर थिंग्स यू हैव डन इन अ जूनियर क्लासेज तो so, एक ऑर्गेनिज्म बड बड से दैट मीन्स एक प्रोट्यूबरेंस निकलती है प्रोट्यूबरेंस बड़ी होती है प्रोट्यूबेंस टूट जाती है टूटने के बाद ये नया ऑर्गेनिज्म बना देता है दिस इज बडिंग सिमिलरली वी हैव फ्रेगमेंटेशन वी हैव फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन जैसे एक एग्जाम्पल है ड्यूगिशिया ये प्लेनेरियन है इस टाइप का एक ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरियन ये प्लेनेरियन इस टाइप से अगर टूट जाता है इसके ये तीन पार्ट बन जाते हैं तो इसका भी फुल फ्लैज प्लेनेरियन बन जाएगा इस बीच वाले पार्ट का भी फुल फ्लैज प्लेनेरियन बन जाएगा इसका भी फुल फ्लैश प्लेनेरियन बन जाएगा तो इसको बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन तो दो मैंने बताया पहला बताया बडिंग सेकेंड इज फ्रेगमेंटेशन पहला है बडिंग सेकेंड इज फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन आई थिंक इट्स क्लियर टू यू बडिंग क्या था ये ऑर्गेनिज्म है इस ऑर्गेनिज्म बेसिकली अगर और डिटेल में कहें इस न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियस बनते हैं दो न्यूक्लियस बनने के बाद एक न्यूक्लियस इस टाइप से बाहर हो जाता है ये बड बनता है ये बड फिर यहाँ से डिटैच हो जाता है तो एक तो ये ऑर्गेनिजम है एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा ऐसा ही फ्रेगमेंटेशन में ये सपोज एक ऑर्गेनिज्म है इस ऑर्गेनिजम के इस ऑर्गेनिजम में ये ये टूट जाता है ये वाला बाट ये वाला बाट टूट जाता है इस टाइप से और ये फ्रेगमेंट

तो आप एक या दो स्पोर बता सकते हैं लेकिन यहाँ मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा जिस शॉर्टकट के बेस पे आप बहुत सारे स्पोर फंजाई के विद रेफरेंस टू फंजाई हम ये स्पोरुलेशन करेंगे कितने टाइप के स्पोर हैं देखो ध्यान से देखें आप पहला आ गया जू स्पोर देन सेकेंड इज स्प्रेंजियो स्पोर देन इज क्लेमाइडोस्पोर, देन इज ऑडियोसपोर देन इज कोनिडियोस्पोर। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये तो ठीक है बता दिए पर इतने हम कैसे याद करेंगे बहुत इजी है देखिए आप कैसे करोगे आप करोगे कि वैसे एक सपोज एक न्यूज हेडलाइन आई कि एक बहुत बड़ा चोर है चंडीगढ़ में उससे बच के रहें तो आप कहोगे जैल सिंह जैल सिंह चोर ऑफ चंडीगढ़ जैल सिंह चोर ऑफ चंडीगढ़ जैल सिंह चोर ऑफ चंडीगढ़ सिंह जेड इज फॉर अंहस फॉर अजियोस्पोर सी सी इज फॉर अ क्लेमा ओ इज फॉर अ ऑडियोस्पोर एंड अज फॉर कॉनिडियोस्पोर सो दिस इज वन वे हाउ टू रिटेन जैल सिंह चोर ऑफ चंडीगढ़ देट इज जेड फॉर जू स्पोर एस इज स्प्रेंजियोस्पोर क्लेमाइडोसपोर ऑडियोस्पोर एंड कोनेडियसपोर सो दीज आर द टाइप्स हाउ टू रिटेन बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन अरवाइज कॉम्पिटिशन में इतने इकट्ठे आप पांच नाम नहीं याद कर पाओगे एक करोगे दूसरा भूल जाएगा दूसरा करोगे दूसरा तो ऐसे शॉर्टकट्स आपको हर पार्ट में करने पड़ेंगे जहा जहां मुश्किल से हैं तो ये पता चल गया आपको जेल सिंह चोर ऑफ चंडीगढ़ जेड फॉर जू स्पोर अब आइए कि क्यों नाम मैंने रखे ये मैंने मीन्स क्यों ये नाम दिए गए जूसपोर जू क्या होता है वही वर्ड मीनिंग देखिए जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ वर्ड मीनिंग वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी आपने एक डिक्शनरी अलग से बनानी है तो जू जू इज एनिमल 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 क्या होते हैं मोटाइल तो जू जहाँ वर्ड आएगा जू जहाँ टर्म आएगी दैट मीन्स मोटाइल मोटाइल मीन्स मूव करते हैं मोटाइल कैसे करेंगे उनमें फ्लैजेला होंगे तभी मूव करेंगे वो तो देखिए जू स्पोर कहाँ बनते हैं जू स्पोर ये ये एक टर्म आएगी एनजीएम एनजीएम प्लस वन में पढ़िया आपने एनजीएम होता है सैक एनजीएम इज सेक एनजियम इज शैक तो स्पोर ये ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज जूस स्प्रेंजियम जूस स्प्रेंजियम ये एक ऐसा सैक है ये ऐसा सैक है कंटेनिंग जूस स्पोर सैक कंटेनिंग जू स्पोर इज स्प्रेंजियम गैमिटेंजियम सेक कंटेनिंग गैमिट तो यहाँ देखिए इसमें बहुत सारे स्पोर बनेंगे इन स्पोर में क्या है फ्लैजला हैं और ये मेच्योरिटी में ये स्पोर सारे बाहर आ जाएंगे एंड दिस स्पोर वॉट बी कॉल दैम

ब्रेड बोल्ड में ऐसा होता है फंजाई में कि इस टाइप का हाइफी होते हैं ये देखिए तो इसमें ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज नॉन ए स्पोर एनजीएम आप देखिए एनजीएम क्या बताया मैंने है सैक, नहीं स्पोर सेकंड नहीं स्पोर और फोर इज स्टॉक तो इसको बोलेंगे स्पोर जियो फोर सुपरेंजियो फोर फोर इज द स्टॉक कंटेनिंग कंटेनिंग स्टॉक तो इस स्प्रेंजियम के अंदर क्या है ये बहुत सारे स्पोर हैं जो टूट जाते हैं क्या कौन से स्पोर हैं दे आर नॉन हैजियो स्पोर दे आर नॉन है स्प्रेंजियो स्पोर तो जब ये मेच्योर होते हैं तो क्या होता है ये मेच्योर होते हैं ऐसे टूटेंगे और ये बाहर निकल आएंगे तो बाहर निकल आएंगे ये ये है दैट इज स्प्रेनजियोस्पोर पहला क्या आ गया जूसपोर फिर से हम एक बार बात करेंगे क्या आ गया पहला जूसपोर सेकेंड इज स्प्रेंजियोसपोर इज क्लेमाइडो स्पोर देन इज ऑडियोसपोर एंड देन इज क्वनिडियोस्पोर दो आपको पता चल गया दो कैसे पता चले कि एक जूसपोर है जूसपोर कौन है जिनमें मोटाइल हैं मोटाइल एनिमल आन, आन, की तरह एनिमल की तरह जाते हैं क्यों मोटाइल है मोटाइल कैसे होंगे फैलाजला होंगे तभी मोटाइल होंगे हो गडेट देन सेकेंड इजियोसपोर स्प्रेंजियोस्पोर ऊपर लगे हैं रेजियोबस की एग्जाम्पल है इसमें देन वी हैव दर्ड इज क्लेमाइडोसपोर अब क्या होता है कि कई बार कई बार क्या होता है अनफेवर कंडीशन हो जाती है क्लेमाइडोसपोर कई बार अनफेवल कंडीशन सूखा पड़ गया बाहर या पानी बहुत ज्यादा हो गया या बहुत ज्यादा सॉल्ट आ गए उस केस में जो फंजाई का हाइफी है वो गर्ज खत्म हो जाएगा तो वो खत्म ना हो ये 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 स्पोज फंजाई का हाइफा है बहुत ज़्यादा अनफेवरल कंडीशन आ गई अनफेवरेबल जो फेवर नहीं फेवरेबल फे नहीं है अनफेवरल कंडीशन आ गई अनफेवरल कंडीशन आ गई तो क्या होगा इस फंजाई में इस फंजाई में अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो ये टूट जाएगा नहीं तो तो यहाँ थिक वॉल्ड अपीयर होगी इसके बाहर ऐसे थिक वॉल आ गई थिक वॉल आ गई तो बाकी की सारी चीज़ें खत्म होगी बाकी की सारी चीज़ें खत्म होगी सिर्फ क्या रह गया ये ये वाला स्ट्रक्चर ही रह गया जो ये देखिए ये रह गया ये वाला रह गया ये वाला रह गया बाकि सारे का सारा एवरी थिंग वाई फिनिश्ड ये देखिए ये रह गया ये रह गया, गया ये वाला और ये रह गया तो ऐसे थिक वॉल्ड स्पोर थिक वॉल्ड स्पोर वट वी कॉल दैम थिक वर्ल्ड पोर आर नॉन है क्लामाइडो स्पोर दे आर थिक वर्ल्ड स्पोर विच आर फॉर्मड थिक वर्ल्ड स्पोर कब बनते हैं ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं जब फिर से वही कंडीशन आ जाए तो बार वाली ये हट जाएगी फेवरेबल कंडीशन वेन सो एवर द फेवरेबल कंडीशन ऑफ देर फेवरेबल कंडीशन आई तो क्या हुआ कि इनके बाहर से ये हट गया ये हट तो ये गया तो ये रह गया ये रह गया ये रह गया तो ये फिर इन्होंने अपना एक ये इसने ये, इसने ये बना दिया इसने ये बना दिया इसने ये बना दिया तो दिस इज व्हाट वी कॉल देम द क्लेमाइडो स्पोर कब बनते हैं ये अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं देन वी है द फोर्थ वन इज ऑडियोसपोर ऑडियो स्पोर कुछ ऐसी फंजाइयाँ हैं जहाँ थिन वर्ल्ड पोर बनते हैं थिन वर्ल्ड पोर वो थिक वॉल थे जो मैंने पहले बताए वो थिक वर्ल्ड थे ये थिन वॉल हैं ऐसे या वी कॉल द्रेक ऑफ हाई फी हो जाते हैं ऐसे छोटे छोटे हाई फी बन जाते हैं इस टाइप से ये देखिए ये थिक वॉल्ड पोर थिन वॉल्स पोर बन जाते हैं बाकी खत्म हो जाता है चीज़ें यही रहता है तो इस केस में दे आर ऑडियो स्पोर तो ये ये फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं नॉर्मल तो ये अगेन दे फॉर्म द हाइफी तो दिस आर पहला क्या बताया मैंने जूस फोर जूस फोर में क्या है फ्लैजेला है दे आर मोटाइल स्पोर में क्या है स्प्रेंजियम ऊपर बनते हैं वो उड़के चले जाते हैं राइज मोड में है थर्ड में बताया देखिए ये ये ये, ये फिंजाई कुछ फंजाई ऐसी हैं जहां एक्सोजीनसपोर ऐसे चेन में बनते हैं एक्सोजीनस बाहर को बनते हैं एक्सोजीनसपोर दे आर एक्सोजीनसपोर एक्सो जीनस फोर एक्सो जीनस फोर इन सर्टेन भंजाई ऑल दो यू हैव डन दैम ऑल इन योर प्लस वन ये प्लस वन का पार्ट है स्टिल मैं आपको बहुत डिटेल में करवा रहा हूँ कि ये आपको बताना चाहिए कैसे याद किया आपने आपने किया जेड एस सी ओ सी जेड एस सी ओ सी जेड फॉर जू स्पोर कर लिया आपने क्या है इसमें फ्लैजला है दूसरा क्या किया सुप्रेजियो स्पोर जियो स्पोर में इस टाइप से सुप्रेंजियम में ये स्पोर है रेजियोबस में देन वी हैव डन द क्लामाइडो स्पोर क्लामाइडो स्पोर में क्या गया? आ गया थिक वॉल्ड आ गए देखिए इस टाइप से पूछा जाता है कंपेरेटिव देन वी हैव दोर ऑडियो और इनमें क्या डिफरेंस है वो थिन वॉल्ड है और ये थिक वॉल्ड है देन वी हैव द कोडियो स्पोर कोनिडियो स्पोर वंचित में कहा हैं गुच्छों की तरह है ऐसे दे आर एक्सो जीनस स्पोर्स so i think it's clear to you all of you that what are the what are the asexual spores in case of fungi so then uh, after that uh, we have a uh, next part uh, that is a uh, इसके बाद हम बात कर रहे थे कि क्या-क्या रिप्रोडक्शन के पार्ट हैं तो asexual reproduction की बात कर रहे थे हम asexual reproduction में अभी हमने क्या-क्या चीजें की अभी हमने किया बडिंग बडिंग के बाद किया फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन के बाद एक एक आएगा फीजन इज अ ब्रेक डाउन देन इज द स्पोरुलेशन दैट इज द फॉर्मेशन जो हमने कर दिया यहाँ ये देखिए इस टाइप से आपने रिटेन करना है तो इस इसी फीजन फीजन में क्या होता है ये हमने बता दिया फीजन में क्या होता है कि ये एक सेल है ये हम ईबा स्पोज ये एक सेल है इस सेल में क्या होगा एक न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियस बनेंगे और ये या तो ऐसे डिवाइड कर जाएंगे किसी भी तरीके से डिवाइड करके एक सेल के जब दो सेल बनेंगे तो दिस इज सेट टू बी बाइनरी फिजन दिस इज सेट टू बी बाइनरी फिजन तो बाइनरी फिजन की एग्जाम्पल है अमीबा अमीबा इज़ एग्ज़ाम्पल ऑफ बाइनरी फिजन जब एक सेल के एक सेल के एक सेल था इस सेल के बहुत सारे सेल बन जाएँ बहुत सारे सेल बन के बाहर निकलें जैसे प्लाज्मोडियम में निकलते हैं तो इसको क्या कहेंगे इसको कहेंगे मल्टीपल फीजन वट वी कॉल इट मल्टीपल फीजन मल्टीपल फीजन ये बाइनरी फीजन है दिस इज मल्टीपल फीजन तो बाइनरी फ्यूजन के आगे बड़ी टाइप्स हैं कि ये बिल्कुल बीच में से होती हैं साइड से होती हैं सिंपल एग्जाम्पल्स आगे भी बढ़ते जाओगे आप रिटेन होती रहेंगी इज अ बेसिक चैप्टर बट यू शुड नो दीज थिंग्स देन वी हैव एस एक्चुअल रिप्रोडक्शन में एक पार्ट आता है वेजिटेटिव वेजिटेटिव प्रोपिगेशन प्रोपेगेशन ते वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोड्यूस करना इज वेजिटेटिव प्रोपिगेशन दो टाइप की वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है वन इज द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन देखो बटे जो मैन मेड नहीं है अपने आप हो रहा है दैट इज नेचुरल जो हम मैन मेड है या मैन मेड किसी टेक्निक से हम कोई टेक्निक यूज करके प्रोपेगेट करते हैं बढ़ाते हैं प्लांट को उसको हम कहते हैं वेजिटे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ये किस किस में होती है रूट में भी होती है ये स्टेम में भी होती है ये कुछ लीफ में भी होती है दीज आर द वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस प्रोपेगेशन जैसे ये बहुत सारे लीफ हैं एक लीफ आपकी एन सी आर टी में भी दिया है ब्रायो फाइलम ब्रायो फाइलम ये देखो फाइलम फाइलम फाइलो फाइलो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए वर्ड मीनिंग वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फाइलो फाइलो जहाँ भी टर्म आएगा दैट मीन्स इट इज द लीफ फाइलो लीफ फाइलो टैक्सी अरेंजमेंट ऑफ लीफ क्लोरोफिल फिल पी एच वाई डब्ल एल फिल इज़ लीफ पी एच वाई डब्ल एल इज़ लीफ तो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट फाइलोक्लेड तो ये हम यहाँ बात कर रहे थे ये ब्रायोफाइलम में लीफ में होता है ऐसा ही आर्टिफिशियल है आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन भी हमने पढ़ा है पहले तो ये फिर से हम करते हैं कि नेचुरल प्रोपिगेशन नेचुरल प्रोपेगेशन में हमारे पास आ गया रूट की प्रोपिगेशन स्टेम की प्रोपिगेशन अब स्टेम में हमारे पास तीन टाइप की स्टेम है वन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट अंडरग्राउंड स्टेम ये भी आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट में पढ़ा है। अंडरग्राउंड सब एरियल एंड एरियल अंडरग्राउंड स्टेम बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको कैसे याद करना है इसका एक तरीका याद करने का कि आपने सिंगल वर्ड नहीं बढ़ना है आपने कम पूरा सेंटेंस पढ़ना है जैसे मैं बताऊंगा आपको ट्यूबर नहीं बढ़ना आपने आपने कहा ट्यूबर ऑफ पोटैटो बल्ब ऑफ अनियन आपने बल्ब नहीं करना आपने कहना बल्ब ऑफ अनियन कॉर्म ऑफ कोलोकेशिया तो एग्जाम्पल भी आपको साथ साथ याद है कॉर्म ऑफ कोलोकेशिया ट्यूबर ऑफ पोटैटो बल्ब ऑफ अनियन शक्कर स्ट्रॉबेरी मिंट भी होता है इन दिस वे ऐसे आपने ये याद करने हैं ओके यहाँ एरियल में जैसे आ गया स्टोलोन स्टोलोन ऑफसेट ये आपको ब्रीफली बता रहा हूं मैं अभी और डिटेल में बताऊंगा एक बार आपको पता चल गया ऐसे एरियल में ये इसमें शुगर केन के, के बारे में बताया गया है। जिस इज द नेचुरल के बारे में बात की मैंने अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल के बारे में आर्टिफिशियल में हमारे पास सबसे पहले आएगा कटिंग देन सेकेंड इज लेयरिंग एंड देन इज द ग्राफ्टिंग कटिंग ये आपको पता है कि जैसे रोज़ कटिंग है इसको ये किसी ये हमारे पास एक ट्री है प्लांट है इसमें से हम ये इस पार्ट को काट देते हैं एंड वी टेक दिस कटिंग दिस इज द कटिंग वी पुट इट इन द सोयल सो दिस इज द कटिंग एंड देन लेयरिंग लेयरिंग दो टाइप की है दो टाइप की है वन इज द सोयल लेयरिंग अदर इज एयर लेयरिंग एयर लेयरिंग इज ऑल्सो नॉन एज गुटी क्या होता है सॉयल ये देखिए वन इज द ये सॉइल लेयरिंग में क्या होता है ये ये एक प्लांट है जिनकी जिनकी ब्रांच ईजीली मोड़ जाती हैं तो इसको ऐसे ये ये ऐसे मोड़ दिया हमने एंड वी यहाँ से इसको थोड़ा थोड़ा हमने ये इसको पील किया और इसको सैंड के अंदर सॉइल के अंदर इसको प्रेस कर दिया ओके okay? प्रेस करने के बाद क्या होगा यहाँ से रूट विल अपियर एंड इट विल फॉर्म द प्लांट जैसे प्लांट बना देगा ये प्लांट लेट फिर इसको भी हम ऐसे इस टाइप से करेंगे इट विल फॉर्म अ प्लांट लाइक स्ट्रक्चर दिस इज वट वी कॉल इट द सॉयल लेयरिंग वेयर एज एयर लेयरिंग जहां प्लांट मुड़ते नहीं है जहां ब्रांचें मुड़ती नहीं है बड़ा प्लांट है मैंगो का प्लांट है गुआवा का प्लांट है तो वहां क्या करते हैं कि यहां इसको आ, इसकी पीलिंग कर देंगे एंड आफ्टर दैट क्लेज दैट इज सॉयल इज बुट है एंड दिस इज उन्होंने एयर एयर लेयरिंग कहेंगे जिसको कहते हैं गूटी देन इज अबाउट द ग्राफ्टिंग मैं पहले बेसिक सब बता रहा हूँ आपको और डिटेल फिर अभी बताता हूँ कि ये दो प्लांट हैं एक प्लांट की रूट बहुत हेल्दी हैं और एक का प्लांट प्लांट का अपर पार्ट बहुत हेल्दी है तो हम क्या करेंगे कि इसका ये पार्ट काट लेंगे तो जिस जिसकी रूट बहुत हेल्दी है उसको हम कहते हैं स्टॉक उस पार्ट को स्टॉक कहते हैं और इसको स्कायन और सायन भी कहते हैं ये ऊपर वाला ये कोई तो मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ तो यहाँ से इसको काटा और यहाँ इसको हमने ग्राफ्ट कर दिया दिस इज ग्राफ्टिंग सो दिस इज अबाउट द एक आपको जनरल सा बताया मैंने अबाउट uh, uh, के हाउ द ये रिप्रोडक्शन कैसे